अंडरस्टैंडिंग आवर अर्थ चैप्टर सेकेंड क्लास फिफ्थ. नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर सेकेंड ऑफ SST. इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द ग्लोब. इन ऑर्डर टू स्टडी द अर्थ इन डिटेल्स वी हैव अनदर टूल कॉल्ड द मैप. मैप, व्हाट इज मैप? डिफिनीशन, ए मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस. मैप्स आर ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस टू शो द कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज एटसेट्रा. इस चैप्टर में हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और मैप के बारे में पढ़ेंगे. मैप क्या होता है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, अर्थ की सरफेस के बारे में बताता है. और मैप जो है ये कंट्रीज़ को बताता है. मैप से हम कंट्रीज़ को शो करते हैं कि कौन सी कंट्री का एरिया कहाँ पे है, कौन से स्टेट कंट्री में कहाँ कहाँ पे हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से सिटीज़ कहाँ पे हैं. वी कैन आल्सो ड्रा ए मैप ऑफ आवर एरिया हाउस विद एवरी डिटेल्स ऑफ लेन्स, शॉप्स एट्सेट्रा. मैप में हम अपने एरिया को ड्रा कर सकते हैं, हाउस को ड्रा कर सकते हैं, और लेन्स गलियां कौन कौन सी हैं उसकी भी डिटेल्स में फिल कर सकते हैं. मैप में हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी शॉप कहाँ पे है. मैप के द्वारा शो किया जा सकता है. बोथ ग्लोब्स एंड मैप्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस, बट ए मैप इज़ बेटर दैन ग्लोब. एज ग्लोब और मैप दोनों बहुत अत्यधिक यूज़फुल है हमारे लिए, लेकिन मैप जो है ये ग्लोब से ज़्यादा अच्छा है. क्यों? फर्स्ट पॉइंट, इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड एनीवेयर. मैप को हम फोल्ड करके कहीं भी इधर उधर यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं. इट गिव्स मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू ग्लोब. मैप से ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल सकती है ग्लोब की अपेक्षा. ज़्यादा अच्छी डिटेल इंफॉर्मेशन मैप से हमें मिल सकती है. एवरी द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी एनलार्ज्ड एंड शोन ऑन मैप. कोई छोटा से छोटा एरिया भी मैप पर शो किया जा सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, अब हेडिंग हम डिस्कस करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. एक ऐसी बुक जिसमें मैप होता है उसको एटलस कहा जाता है. मैप्स आर थ्री टाइप्स. मैप्स थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है पॉलिटिकल मैप, और सेकंड होता है थीमेटिक मैप, और थीमेटिक मैप, और थर्ड जो होता है ये थर्ड होता है जनरल मैप. तो फर्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल मैप पर, लेकिन पहले ये हम बात कर लेते हैं एक ये इंडिया का ये फिज़िकल मैप है. फिज़िकल मैप की हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिज़िकल मैप कैसे इंडिया का होता है. ये आप देख सकते हैं इंडिया की ये जो कंडीशन है, और इंडिया की इस कंडीशन में अलग अलग कलर में बताए गए हैं पॉइंट. डेक्कन प्लेटू स्पेशली बताया गया है, और विंध्य रेंज बताई गई है, डेजर्ट इंडियन ग्रेट इंडियन डेजर्ट का एरिया राजस्थान की तरफ बताया गया है, और ये अलग अलग कलर में ये शो किया गया है. इससे मैप के बारे में जाना जा सकता है. तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप शोज द पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स.
पॉलिटिकल मैप के द्वारा हम पॉलिटिकल डिवीज़न वर्ल्ड का करते हैं। इसमें हम कॉन्टिनेंट दिखाते हैं, पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज़ को दिखाया जाता है, स्टेट्स को दिखाया जाता है और इन डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट इंडिया के शो किए गए हैं। तेलंगाना, कर्नाटका, लद्दाख, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ये सब अलग अलग, इसको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। और दूसरा है थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप देयर आर मैप्स दैट शो रेनफॉल, पॉपुलेशन, रोड्स, रेलवेज, मिनरल्स, क्रॉप्स एट्सेट्रा एंड फोकस ऑन दीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। थेमेटिक मैप उस मैप को कहते हैं जिसमें कि रेनफॉल शो की जाती है, पॉपुलेशन शो की जाती है, रोड्स शो किया जा सकता है, रेलवे लाइंस शो की जा सकती है, मिनरल्स, क्रॉप्स, इस पे फोकस किया जा सकता है और उनके बारे में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। अब है हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब एंड मैप। ग्लोब और मैप की लिमिटेशन क्या है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। ग्लोब की लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल एनफ टू कैरी एज इट इज़ लार्ज एंड सॉलिड। ग्लोब जो होता है ये बहुत कंफर्टेबल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसको कैरी करने में, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। एक तो सॉलिड होता है और दूसरे लार्ज भी होता है। मैप कैन नॉट शो द करेक्ट शेप ऑफ अर्थ बिकॉज वन कैन नॉट फ्लैटन द अर्थ सरफेस। एक मैप से अर्थ की शेप को बहुत अच्छी तरीके से फ्लैटन रूप में शो नहीं किया जा सकता है, ये लिमिटेशन प्रॉब्लम है। उसके बाद ग्लोब की सेकंड लिमिटेशन क्या है, ऑल डेटल्स कैन नॉट बी शोन ऑन इट। ग्लोब पे सारी डेटल्स शो नहीं की जा सकती है। जबकि इस मैप की सेकंड पॉइंट क्या है, इट रिक्वायर्स स्पेशल रेफरेंसेस एंड सिम्बॉल टू अंडरस्टैंड ए मैप। मैप को समझने के लिए स्पेशल रेफरेंस चाहिए, स्पेशल सिंबल्स शो करने पड़ते हैं, तब मैप को समझा जा सकता है। ग्लोब में इट कैन शो ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट वन टाइम। इसमें सिर्फ अर्थ के एक साइड को एक ही समय में समझा जा सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग मैप। अंडरस्टैंडिंग मैप क्या है, टू रीड द मैप करेक्टली एंड एक्यूरेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। किसी मैप को बहुत करेक्टली समझने के लिए, बहुत एक्यूरेटली समझने के लिए, बहुत शुद्धता से समझने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें मैप की लैंग्वेज को समझना होगा। एवरी मैप हैज डायरेक्शन, साइंस, सिंबल एंड स्केल। जितने भी मैप होते हैं इसमें एक डायरेक्शन होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस डायरेक्शन को समझना होगा। साइंस समझने होंगे, रेलवे लाइन के साइन क्या हैं, कैसे शो करेंगे, हाउसेस के सिंबल्स क्या होंगे, स्केल्स क्या होंगे, सब समझने होंगे। और इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ए लैंग्वेज ऑफ मैप, मीन्स द लैंग्वेज ऑफ मैप। व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ मैप, द लैंग्वेज ऑफ मैप इज डायरेक्शन, साइंस, सिंबल्स एंड स्केल्स। ए मैप हैज ए स्मॉल एरो ऑन द राइट हैंड कॉर्नर। राइट हैंड कॉर्नर पे एक एरो होता है, इट इज मार्क एज यन पॉइंट, इसको यन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, टूअर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। यन पॉइंट का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। जस्ट अपोजिट टू इट इज साउथ, अपोजिट साइड में इसको साउथ जानते हैं। आइए एक फिगर देखते हैं, इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इसको आप देखिए तो इसको क्लियर होगा कि ये जो है नॉर्थ, यन फॉर नॉर्थ, यस फॉर साउथ, यन अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन है, यस साउथ डायरेक्शन है, ई ईस्ट डायरेक्शन है, डब्ल्यू वेस्ट डायरेक्शन है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट।